हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज का ये वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज बच्चों मैं एक ही वीडियो में फिजिक्स को बच्चों समाप्त कर दूंगा। जी हाँ, हम एक ही वीडियो के अंदर पूरा जितना हमारा फिजिक्स होने वाला है सबको बच्चों हम समाप्त करने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 28 इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन बच्चों वायरल है और यही क्वेश्चन आपको अपने 16 फरवरी को जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफी शानदार होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। यदि चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो प्रॉपर्टीज बतानी है बच्चों। तो आंसर लिखना है आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द टेंजेंट ड्रॉ एट ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रुसुलेटेंट फील्ड एट द पॉइंट। यानी कि बच्चों मान लीजिए ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये कोई पॉइंट है मान लीजिए P, इस पर आप क्या खींच देते हो, टेंजेंट। टेंजेंट आपने खींच दी तो ये आपकी बताएगी ई वेक्टर की डायरेक्शन को, राइट बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, यानी कि बच्चों ये एंड हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर। मान लीजिए प्लस क्यों आवे से बच्चों, इससे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ निकलने वाली है, और माइनस क्यों आवे इस पर क्या है, ये एंड हो जाती है मतलब प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की, आपसे पूछ रहा है राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की आपको डेफिनेशन बतानी है। तो देखिए आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इफ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन क्यू एंड माइनस क्यू इज डी वेक्टर then the torque of the dipole formed by them P vector equal to Q D vector। इसमें क्या होता है बच्चों, ये क्या है आपका, मान लीजिए एक डाइपोल है, ये माइनस का Q चार्ज है, ये आपका प्लस का Q चार्ज है, इनके बीच डिस्टेंस है ना वो क्या मान लीजिए आप D है। तो जो इनका P vector आने वाला है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा P vector, वो इक्वल टू होगा Q डॉट में D vector के। ये बच्चों आपका डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, आपसे पूछ रहा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए गॉस थ्योरम यानी कि लॉ आपको स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था वो आपको बताना है। देखिए बच्चों क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो गॉस लॉ, कार्ल फ्रेडरिच गॉस फाउंडेड ए लो टू स्टेट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एंड द चार्ज प्रेजेंट इन इट कॉल्ड गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस प्रेजेंट इन वैक्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज सिग्मा क्यू प्रेजेंट इन द वॉल्यूम सराउंडेड बाई दैट क्लोज सरफेस एंड वन बाई एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने कहा बच्चों मान लीजिए कोई सरफेस है, तो इस सरफेस से जो भी अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरने वाला है फाई, वो इक्वल टू होता है इसके अंदर प्रेजेंट नेट आवेश तथा वैक्यूम की जो क्या है विद्युतशीलता होती है, ये आपका बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इसका जवाब देना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछ रहा है राइट द डेफिनेशन कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ की आपको डेफिनेशन बतानी है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है बच्चों, मैं आपको पहले समझा देता हूं थोड़ा सा। उन्होंने क्या कहा, दो आवेश है, ये मान लीजिए आपका क्यू वन चार्ज है,
ये आपका क्यू वन प्लस का है बच्चों, चाहे आप इसको माइनस का मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप इसको क्यू वन का रहने दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, क्यू टू चार्ज है, इनके बीच डिस्टेंस है मान लीजिए स्मॉल आर, तो इन्होंने कहा जो इनपे फोर्स लगने वाला है दोनों आवेशों क्या होता है भाई, प्रोपोर्शनल होता है, और दूरी की क्या होता है भाई, वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है, एल होता है। यानी कि बच्चों यदि आप इसको जॉइंट रूप में लिखते हो तो एफ इक्वल टू आपका आने वाला है यहां पर क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। जब आपका ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा बच्चों, तो यहाँ के एक कॉन्स्टेंट आता है क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ का क्या है, फॉर्मूला है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, क्या इन्होंने डेफिनेशन दी। तो बच्चों इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दी अट्रैक्शन, बच्चों क्या अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फोर्स बिटवीन टू स्टेबल चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बच्चों इनका नियम है और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राइट द डेफिनेशन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की आपको डेफिनेशन बतानी है भाई क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिए। आपको लिखना है द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों जे इक्वल टू आई अपॉन में ए। ये आपकी करंट होती है, ये आपकी क्या होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस आपका एरिया होता है। यदि इसकी यूनिट की बात की जाए बच्चों, तो मैं आपको बता दू एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 की। आपसे पूछ रहा है डिफाइन ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, यानी कि आपको ड्राफ्ट वेलोसिटी क्या बतानी है, डिफाइन करना है क्या होता है। तो आपको आंसर में लिखना है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्राफ्ट वेलोसिटी। तो ड्राफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वीडी इक्वल टू माइनस का ई टोर अपॉन में एम बच्चों होता है। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोर है बच्चों आपका एम है आपका इलेक्ट्रॉन का मास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपसे कह रहा है राइट किरचॉफ फर्स्ट रूल लॉ ऑफ जंक्शन, जिसे आपके नाम से आप जानते हो बच्चों लॉ ऑफ जंक्शन, जहां पर करंट हो क्या होता है, जंक्शन होता है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है बच्चों इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट द एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो। यानी कि बच्चन मान लीजिए कोई जंक्शन का पॉइंट है आपका पी, इस पर क्या है भाई बहुत सारे क्या रहे हैं एलजेब्रिक, तो आपको सम करना ही है किसका बच्चों, करंट का आपको एलजेब्रिक करना है। जितनी भी यहां पर करंट आ रही है इस पॉइंट पर, उन सभी का आप क्या करोगे एलजेब्रिक सम करते हो, तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, जीरो के इक्वल आता है। ये बताया किरचॉफ ने अपने फर्स्ट रूल के अंदर। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें आपसे पूछ रहा है राइट किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का आपको सेकंड लॉ बताना है। तो उन्होंने अपने सेकंड लॉ में क्या बताया, ध्यान दीजिएगा सभी, उन्होंने कहा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन ईच क्लोज्ड लूप एलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड देयर रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इन द लूप। यानी कि बच्चों मान लीजिए कोई आपका लूप है, अब लूप के अंदर क्या होंगे भाई, रेजिस्टेंस होंगे, प्रतिरोध होंगे आपके, राइट रेस्पेक्टिव है ना, प्रतिरोध आपके होंगे, और साथ में यहां पर क्या होगी भाई बहुत सारी ब्रांचेस होगी, क्या होगी ब्रांच होगी, और इन ब्रांचों में क्या लगा होगा भाई आपका बैटरी होगी, क्या होगी बच्चों इसके अंदर बैटरी होगी, बैटरी भाई इसके अंदर पाई जाएगी जो आपका ब्रांच लगा हुआ है। तो इन आप जो रेजिस्टेंस का कुल वोल्टेज है और जो बैटरी का जो कुल वोल्टेज है वो हमेशा क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ये बताया किरचॉफ ने अपने सेकंड लॉ में। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है
गिव इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, आपको वन एम्पियर की डेफिनेशन बतानी है जो क्या है आपकी इंटरनेशनल है। तो आपको लिखना है वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज डेट विच कैन प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ 2×10⁻¹ न्यूटन ऑन दी पर मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रेथ करंट कैरिंग कंडक्टर्स कीप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम। यानी कि ये आपका जो डेरिवेशन का पार्ट है, आप सभी ने दो समांतर धारावाही चालक तार लिए होंगे बच्चों, तो पैरेलल कंडक्टर लिए होंगे, उनमें आपने करंट फ्लो करवाया होगा और आपने क्या निकाला होगा एक कान का लंबाई पर फोर्स भी आपने निकाला होगा। उस डेरिवेशन का बच्चों ये पार्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आपसे कह रहा है हाउ इज गैलोनोमीटर चेंज इंटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, यानी कि आप एक गैलोनोमीटर को कैसे चेंज करोगे वोल्टमीटर में और आप एमीटर में, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखोगे आप, बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इन द कॉइल ऑफ गैलोनोमीटर इट इज चेंज इंटू वोल्टमीटर। तो याद रखिए बच्चों, यदि आपको गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है तो आपको हाई रेजिस्टेंस जोड़ना होगा किसमें, सीरीज ऑर्डर में, तो ये आपका चेंज हो जाएगा वोल्टमीटर में। एंड बाय जॉइनिंग ए शंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज चेंज इनटू ए एमीटर। यदि बच्चों आपको गैलोनोमीटर को चेंज करना है एमीटर में तो आपको ज्वाइंट करना होगा एक शंट रेजिस्टेंस, कौन से ऑर्डर में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तभी आप इनको आपस में चेंज कर सकोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आपसे पूछ रहा है राइट एम्पियर्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन, ये आपको बताना, नियम बताना है बच्चों किसका, एम्पियर लॉ का। देखिए उन्होंने कहा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए क्लोज्ड पाथ सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स पासिंग थ्रू ए सरफेस बाउंड बाय डेट पाथ एंड न्यू नोट। ये बच्चों आपका न्यू नोट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से कर लीजिएगा। तो ये आपका एम्पियर का बच्चों फॉर्मूला है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट में डीएल वेक्टर इक्वल टू न्यू नोट सिग्मा आई। और ये बच्चों आपका मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या है, फॉर्मूला है किसका, एम्पियर्स लो का। क्लोज इंटीग्रेशन एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू सिग्मा आई आपका हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन गॉस लॉ इन मैग्नेटाइजेशन, आपको मैग्नेटाइजेशन के लिए गॉस लॉ बताना है, उसको एक्सप्लेन बच्चों करना है। तो आप लिखोगे इन मैग्नेटाइजेशन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटिव टू एनी सरफेस इज आल्सो जीरो इफ ए सरफेस एस इज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल एलिमेंट्स डेट हैव एरिया डीएस देन द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन्होंने कहा जो अपना चुम्बक होता है, जो मैग्नेट होता है बच्चों, उसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एन पोल और आपका एस पोल, और यहां पर क्या होते हैं, दो मैग्नेटिक पोल होते हैं जिसे हम एम प्लस एम से भी बच्चों प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका सिग्मा क्यों होगा वो माइनस एम प्लस में एम होकर ये आपका जीरो दे देगा, इसीलिए आपका यहाँ पर बच्चों जीरो आ जाएगा, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है राइट फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स के लिए आपको फेराडे का लॉ एक्सप्लेन करना है और आपको लिखना है बच्चों। तो देखिए आप कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कॉइल इज चेंज्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। ये बच्चों आपका क्या है, फेराडे का फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स के लिए, यानी कि इसमें आपका क्या है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो बार बार चेंज होगा तभी आपका जो मैग्नेटिक इंडेक्स है वो बच्चों बदलता है, ये आपको लिखना है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आपसे से पूछा है फेराडे सेकंड लॉ, यानी कि आपको फेराडे के दोनों लॉ बताने थे, फर्स्ट हमने वहां डिस्कस कर लिया, ये आपका सेकंड लॉ है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम इंटरवल डी टी इज डी डेल फाई, डेल टी है बच्चों इज डेल फाई देन। तो ये फैराडे सेकंड लॉ जो डेफिनेशन का जो फॉर्मूला आता है ना, वो आपका E इक्वल टू माइनस का एन डी फाई अपॉन में डी टी। ये जो N है ना बच्चों, ये क्या है, कोइल में फेरों की संख्या होती है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपसे पूछ रहा है गिवन द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडेक्स ऑफ ए कोइल। तो आपको लिखना है इफ देयर इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ऑफ डिक्रीज एसोसिएट विद ए कोइल देन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन दिस कोइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेशन। इंड्यूटेंस ये बच्चों आपका होने वाला है, ऐसे आपको बच्चों एक्सप्लेन करना है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों राइट डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की आपको डेफिनेशन बतानी है। तो देखिए पावर फैक्टर की डेफिनेशन बच्चों क्या होगी, द कोसाइन ऑफ फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कोस फाई इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इट इज द रेशो ऑफ एवरेज पावर एंड अपरेंट पावर। ये बच्चों आपका क्या है, डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर हो जाएगी। इतना आप लिख कर आते हो तो आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ का आपको मैथमेटिकल क्या है भाई, लिखना है। तो उन्होंने कहा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट में डीएल वेक्टर इक्वल टू न्यू नोट क्लोज आईसी, आईसी क्या है भाई, कंडक्टर में करंट है, प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डीटी आपका हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये आपको बताना है। तो आपको बच्चों इसमें लिखना है ऑप्टिकल फाइबर आर द डिवाइस बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ विच ए लाइट सिग्नल कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लस टू अनोदर विदाउट एनी एनर्जी लॉस। ऑप्टिकल फाइबर आर मेड बाई हाई क्वालिटी कंपाउंड ग्लास क्वार्टज फाइबर। देखो इसमें क्या होता है, एक क्वार्टज होता है, क्वार्टर क्या होती है, रेसेदार क्या होती है भाई, नली होती है। ये आपकी क्वार्टज क्या है, रेसेदार नली होती है। इस पर क्या है, क्वार्टज की एक मोटी सी भाई परत भी लगाई जाती है। ये आपकी क्वार्टज की मोटी परत है। इसमें क्या करता है, इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार बच्चों अंदर होता है। और इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा करंट जो सिंगल होते हैं, क्या होते हैं हमारे सिंगल जो होते हैं, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं बिना किसी लॉस के। ये काम है भाई ऑप्टिकल फाइबर का, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस की डेफिनेशन आपको वही देनी है। देखिए बच्चों आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, तो आपको लिखना है द एबिलिटी टू कन्वर्ज ऑफ डिवर्ज द रे ऑफ लाइट ए कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। द पावर ऑफ एनी लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। यानी कि जो हमारी पावर होती है लेंस की, वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के। यानी कि बच्चों P बराबर 1/f के बराबर हमारा हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही आपका क्या है, फॉर्मूला है पावर का, ध्यान में रख लीजिएगा। इससे बच्चों काफी क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सबसे शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़कर जाना। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में राइट टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न। आपको दो डिफरेंस लिखने हैं, किसमें, इंटरफेरेंस में और डिफ्रेक्शन में। तो देखो मैंने क्या करा, एक टेबल बनाई हुई है बच्चों, ऐसे ही आपको एग्जाम में काम करना है।
एक टेबल में हमने लिखा है इंटरफेरेंस, एक टेबल में लिखा है हमने डिफ्रेक्शन। तो इंटरफेरेंस जो पहला पॉइंट है उसमें लिखना है व्हेन टू और मोर फेस रिलेट वेव्स ऑफ सम फ्रीक्वेंसी आर म्यूचुअली सुपरपोज्ड देन इंटरफेरेंस ऑकर्स। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इंटरफेरेंस के अंदर। बात की जाए बच्चों डिफ्रेक्शन के अंदर, तो व्हेन देयर इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट देन डिफ्रेक्शन ऑकर्स। बात की जाए सेकेंड पॉइंट की, इसमें लिखना है व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स इज सम द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज इज जीरो। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। इसकी बात की जाए सेकेंड पॉइंट की, तो आपको लिखना है द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज इज नॉट जीरो। यहां पर फ्रिंज भाई जीरो नहीं होती है, डार्क नहीं बनती है, इसमें बच्चों डार्क फ्रिंज का निर्माण होता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की आपको डेफिनेशन बतानी है, तो आपको लिखना है द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डेट आर वेवरिटिंग इन द सेम फेस एंड एन इंसेंट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये आपकी डेफिनेशन है भाई वेव फ्रंट की। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, तो इसमें लिखना है व्हेन टू और मोर लाइट रेस ऑफ सम फ्रीक्वेंसी प्रोपागेटिंग टुगेदर इन ए डायरेक्शन गेट सुपरपोज्ड ऑन ईच ऑथर इन ए मीडियम देन ऑन सम पॉइंट्स ऑफ द मीडियम द इंटेंसिटी ऑफ रेसुलेटेंट लाइट इज मैक्सिमम एंड ऑन ऑथर पॉइंट्स द इंटेंसिटी इज मिनिमाइज कह दीजिए चाहे मिनिमम कह दीजिए, बच्चों एक ही बात है, जीरो होने वाली है। दिस इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको बच्चों हम बुलाएंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के नाम से। इतनी बड़ी सी बच्चों डेफिनेशन है, ये आपको लिखनी है, तभी आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स इसके अंदर देगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बच्चों क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें लिखना है द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम द एजेज ऑफ ए डिफ्रेक्टर। डिफ्रेक्टर बच्चों जो है उसके अंदर आपको लिखना है एपर्चर और आपको लिखना है बच्चों ऑप्टिकल, ये आपका होने वाला है। एंड इंटरिंग ऑफ द लाइट इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू नेसेसरी कंडीशन फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो नेसेसरी है बच्चों जो आवश्यक है किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए, वो आपको दो कंडीशन यहां पर लिखकर बतानी है। तो फर्स्ट कंडीशन है बच्चों आपसे कह रहा है टू वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट वेव्स, द फेस डिफरेंस बिटवीन वेव्स शुड नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग भाई चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम बढ़ रहा है तो सेम चलना चाहिए बच्चों, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। पहला तो ये पॉइंट है। सेकेंड है The frequency and wavelength of two waves must be sum, two waves should be obtained from monochromatic source. इतना आपको लिखना है, दो पॉइंट आपके बन जाते हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों क्या है, देखिए आपको लिखना है व्हेन लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मोर देन डेट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को आप बच्चों क्या कहोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से आप जानोगे। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है बच्चों डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आपको डिफाइन करना है, तो आपको लिखना है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटेलिकल सरफेस एट विच द करंट फ्लो स्टार्ट्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ रिलेटेड टू इट लैम्डा नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड
वेवलेंथ, इतना बच्चों आपको लिखकर आना है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज मीन्ट बाय न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो आपको लिखना है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन न्यूक्लियस इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वेन गिवन टू द न्यूक्लियस वुड मेक ऑल इट्स न्यूक्लियंस बाइंड फ्री ऑन डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इज ऑब्टेंड। इतना आपको लिखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको लिखना है डेल ई अपॉन में ए। डेल ई है बच्चों आपकी एनर्जी, ए है आपका मास ऑफ न्यूक्लियंस, ये आपको बच्चों लिखकर आना है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राइट टू एक्सप्लेन ऑफ डोनर इम्पुटिटी, ये आपको भाई बताना है, दो बतानी है बच्चों आपको, तो दो कौन कौन से होने वाली है इम्प्यूटी ये आपको लिखना है। तो टू एक्सप्लेन्स ऑफ डोनर इम्प्यूटिटी आपकी हो जाएगी एक तो आर्सेनिक और एक हो जाएगी आपकी एंटी मनी, बच्चों आप लिखकर आ सकते हो। बात की जाए बच्चों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है 28। पूछ रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ फॉर पीएन जंक्शन डायोड। तो आपको दो यहां पर दी हुई है, तो थ्रस्ट और कट इन वोल्टेज, एक आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में आपसे पूछ रहा है। पर डिस्कस कर लेते हैं कट वोल्टेज के बारे में, कट इन वोल्टेज क्या होती है बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, व्हेन पी एंड ऑफ ए पी एन जंक्शन इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड एन एंड ऑफ द जंक्शन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, कट इन वोल्टेज का डेफिनेशन हो जाएगा। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला है आपका इसी के अंदर ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है। तो व्हेन पी साइड ऑफ ए पी एन जंक्शन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देन दिस जंक्शन इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। इसको क्या बुलाएगा भाई, रिवर्स बायसिंग हम बुलाएंगे। तो बच्चों ये थे आपके फिजिक्स के संपूर्ण बुक के 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप जरूर एग्जाम में पढ़कर जाना बच्चों, आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप कि बच्चों आपको क्लास काफी अच्छा लगा होगा, यदि क्लास अच्छा लगा हो तो भाई प्यारा सा आप कमेंट कर देना, और चैनल पहली बार विजिट किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।